हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश का 7th पोएम मेकाविटी द मिस्ट्री किट का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं हर चैप्टर का दो वीडियो बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज ऑब्जेक्टिव वाले और सब्जेक्टिव वाले वीडियोज प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 by 1 करके सारे वीडियोज को देख लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकेंगे। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस कविता से, इस पोएम से, उस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। मेकाविटी, मेकाविटी द मिस्ट्री केट। मेकाविटी एक जो है केट का नाम है, केट में से बिल्ली का नाम है। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब होता है मिस्टरी, मिस्ट्री का मतलब होता है गुप्त, रहस्यपूर्ण, जो है गुप्त रहता है उसी को कहा जाता है। तो एक केट का जो है, केट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया गया है, कविता है, और इसके कंपोजर कौन है, राइटर कौन है, टीएस इलियट। तो ये याद रखेंगे, सबसे पहले ये लाइट पोएम है, क्या है, मेकाविटी एक लाइट पोएम है। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेकाविटी क्या है, एक पोएम है यानी लाइट पोएम है। लाइट पोएम किसको कहा जाता है, ए पोएम विच अटेम्प्ट्स टू बी ह्यूमरस, एक ऐसा कविता जो जिसमें जो है राइटर जो होता है, कंपोजर क्या करता है, ह्यूमरस करने की कोशिश करता है, यानी हंसाने की कोशिश करता है रीडर को। ओके, रीडर मीन्स जो है हम लोग पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, जो क्या करता है, कोशिश करता है वो हटाने, जो है किसको इंजॉय कराने की कोशिश करता है, हंसाने की जरूरत कोशिश करता है। एक तरह का कॉमिकल कह सकते हैं पोएम है, या इसको कह सकते हैं कि ये एक मॉक हीरोइक पोएम है। यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मॉक हीरोइक पोएम। तो इस पॉइंट्स को याद रखेंगे कि मेकाविटी क्या है, मेकाविटी एक लाइट पोएम है या मॉक हीरोइक पोएम है, या लाइट पोएम उसी को कहा जाता है जिसमें राइटर जो है, लेखक जो है, कवि जो है, कोशिश करता है पढ़ने वालों को हंसाने की कोशिश करता है। तो आप जो है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। इट हैज बीन कंपोज बाई टी एस इलियट, ये कंपोज किसके द्वारा किया गया, टी एस इलियट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, बोर्न 26 सितंबर 1888 USA, इनका जो जन्म हुआ था यानी टी एस इलियट का 26 सितंबर 1888 में USA में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। एंड डेड, और उनकी मृत्यु हुई 4 जनवरी 1965 UK, यानी इनकी मृत्यु हुई 4 जनवरी 1965 में UK में, इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम, UK मींस यूनाइटेड किंगडम, यानी इंग्लैंड में हुई, लंदन में हुई, यानी ब्रिटेन में हुई इनकी मृत्यु। तो याद रखेंगे, यानी ही वॉज बोर्न इन अमेरिका बट सेटल्ड इन UK, यानी इंग्लैंड में ये सेटल्ड हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट, वो बहुत जो है महान ग्रेटेस्ट पोएट थे, कवि थे, एसेइस्ट थे, और उसके बाद क्रिटिक थे, प्ले राइट थे, एंड ड्रामेटिस्ट थे ऑफ 20th सेंचुरी। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये जो है कवि थे, महान कवि थे, और 20th सेंचुरी को मॉडर्न एज कहा जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, 20th सेंचुरी को मॉडर्न एज कहा जाता है, यानी मॉडर्न एज के ये राइटर थे। अभी अभी देखिए, एज 1965 अभी गुजरा है, भारत आज़ाद होने के बाद इनकी मृत्यु हुई है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं लेटेस्ट रिसेंट में इनकी डेथ हुई है, रिसेंट पोएम थे, और ये जो है 20th सेंचुरी पोएट थे, और कवि जो है एसेइस्ट भी थे, क्रिटिक थे, प्लेराइट थे, ड्रामेटिस्ट थे। तो याद रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ही वॉज ए क्लासिकल इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। ये पॉइंट है, याद रखेंगे, ये आपको आने वाले एग्जाम में भी, आपको कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करेंगे उसमें भी पूछा जाएगा, और एग्जाम में तो ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए, कि इसमें लिखा आपको ऑप्शन जो है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु वॉज ए क्लासिकल इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। तो याद रखेंगे, टी एस इलियट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, He was awarded the Nobel Prize in 1948 for literature. उनको लिटरेचर के लिए 1948 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, नोबेल प्राइज 1948 जो है मैं दिया गया था टी एस इलियट को, और किसके लिए दिया गया था, लिटरेचर के लिए दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट इज टेकन फ्रॉम हिज कॉमिकल कलेक्शन ओल्ड पोस्यूम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल किट्स। ये जो है लिया गया है, यानी मेकाविटी जो द मिस्ट्री किट लिया गया है, उनका एक कलेक्शन था, उन्होंने लिखा था अपनी जिंदगी में बहुत सारी कविताएं लिखी, उसी से एक जो है लिया गया है, एक एग्जरेक्ट है, और उसका उस जो है कविता का कलेक्शन का क्या नाम है, ओल्ड पोस्यूम्स
पोस्टम बुक ऑफ प्रैक्टिकल केट्स, तो केट्स से रिलेटेड है तो केट यहाँ पे है तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे मेकअप इट इज ए केट, ही इज कॉल्ड हिडन पॉ। ओके याद रखेंगे मैकविटी जो है एक केट का नाम है, ओके इज ए केट का नाम है और उनको उसको कहा जाता था यानी केट को हिडन पॉ कहा जाता था, तो याद रखेंगे हिडन पॉ। नेक्स्ट देखेंगे मैकविटी इज एन आउटलॉ, ही कैन डिफाई द लॉ। तो मैकविटी क्या थी, एक आउटला थी, आउटला कहा जाता है वायलेट जो करता है यानी कानून का भी कानून का उल्लंघन करना, ये जो चोर एक तरह का ये क्राइम करती थी यानी चोरी करती थी, किसी का भी जैसे दूध खा जाना या ग्लास तोड़ देना, किसी को परेशान करना, ये सब जो है खाना खा जाना भोजन खा जाना ये सब काम करती थी, तो इसको इसको जो है ये किसी को भी डिफाई कर सकती थी, चैलेंज कर सकती थी, धोखा दे सकती थी। नेक्स्ट देखेंगे और तो जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैकविटी इज एन आउटला, याद रखेंगे आउटला मीन्स कानून का उल्लंघन करने वाला तोड़ने वाला, और वो क्या करती थी ही कैन डिफाई कर सकती थी उसको किसको लॉ को। नेक्स्ट देखेंगे ही इज द बेफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड, वो बेफेलमेंट थी कहां की स्कॉटलैंड की, याद रखेंगे यानी जो है केट जो है बेफेलमेंट थी कहां की ऑफ जो है स्कॉटलैंड यार्ड। तो ये कविता जो है कविता में जो केट के बारे में बताया गया है तो किस देश के बारे में बताया जा रहा है, स्कॉटलैंड में ये सेटलमेंट थी यानी बेफलमेंट बोल सकते हैं सेटलमेंट, वो कहाँ थी स्कॉटलैंड यार्ड की बात कर रहे हैं कि स्कॉटलैंड की ही बात हो रहा है। हिज पावर्स ऑफ वायलेशन वुड मेक ए स्टे फकीर, यानी उसका जो एक वायलेशन जो था लेविलेशन जो था लेविशन ऑफ मेक वुड मेक स्टे फकीर, ये फकीर याद रखेंगे उसका जो है उसका पावर जो उसके पास था उसके पास जो मैजिक था पावर्स मींस मैजिक शक्ति, ओके तो वो किसी भी स्टेट को क्या कर सकता है ये फकीर बना सकता था, तो ये बना सकता था यानी ये केट। नेक्स्ट देखेंगे मैकविटी कैन बी फाउंड इन द बेसमेंट, यानी कि मैकविटी को पाया जा सकता था कहां पे क्राइम करती थी और वो भाग जाती थी, ओके तो वो बेसमेंट में भी मिल सकते थे आप उससे, ओके। नेक्स्ट देखेंगे ही इज नेवर देयर ऑन द सीन ऑफ क्राइम, वो कभी भी जो है सीन करने के बाद यानी सॉरी क्राइम करने के बाद किसी भी कभी भी किसी भी समय वो जो है क्राइम स्थल पर नहीं रहती थी, जहाँ पे क्राइम स्थल बोले तो जहाँ वो घटना कोई करती थी चोरी करती थी या खा जाती थी या परेशान करती थी या ग्लास को तोड़ देती थी या कुछ और कुछ ऐसा घटना कर जाती थी, तो सीन जो क्राइम जो है सीन ऑफ क्राइम जो था वो कभी भी वैसे जगह पर नहीं होती थी जहाँ पे वो क्राइम करती थी अपराध करती थी यानी कोई गुनाह करती थी, तो जो है वो वहाँ पे से भाग जाती थी। ही इज़ ए जिंगर केट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, तो जिंगर केट थी वो कैसा थी केट थी जिंगर में से होता है टॉल एंड थिन, मैंने लिख दिया है तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या वो फ्लेसी थी फेट थी मोटा थी हेल्दी थी, तो नहीं याद रखेंगे कैसी थी मैकविटी थी टॉल और थिन थी, लंबा थी और पतला दुबली पतली थी, उसकी आंखें जो है मतलब हमेशा जो है चेहरे से ही लग रही थी कि पूरा पूरा जो है क्या है क्लेवर है बहुत होशियार है। नेक्स्ट देखेंगे द पोएट फाइंड्स हिम, जो कवि कहता है आगे कहता है लेजी एंड हाफ स्लीप, वो कहते हैं क्या कवि कहते हैं टी एस इलियट कहते हैं कि जब वो सोती थी ना तो लगता था कि आधा नींद में है यानी आंखें हल्का सा खुला हुआ रहता था हाफ स्लीप टाइप का लगता था, उतना एक्टिव भी थी और लेजी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नो वन लाइक्ड मैकविटी, कोई इसलिए उसको कोई पसंद नहीं करता था, मैकविटी को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि सी वाज द डिस्टर्बेंस ऑफ द सोसाइटी, सी वाज द डिस्टर्बेंस ऑफ द सिटी, वो स्कॉटलैंड का एक तरह का डिस्टर्बेंस थी, वो बाधा रुकावट डालती थी परेशान लोगों को करती थी और जो है कोई घटना करके इवेंट्स करके कोई जो इंसिडेंट करके वो भाग जाती थी। नेक्स्ट देखेंगे उसको मॉन्स्टर कहा जाता था राक्षस कहा जाता था, मैकविटी या मॉन्स्टर, तो यहां से भी याद रखेंगे मैकविटी जो है को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वो एक मॉन्स्टर थी एक तरह का क्रूयल थी क्रूयल जिसको निर्दयी, ओके। नेक्स्ट देखेंगे ही कैन बी सीन इन द, उसको देखा जा सकता है खोजा जा सकता है पाया जा सकता है कहां पे स्ट्रीट में स्क्वायर में, याद रखेंगे स्ट्रीट में। नेक्स्ट देखेंगे मुंजे जो रियो, ओके ये मुंगे ये देखिएगा स्पेलिंग मुंजो जेरियो याद है मुंजे जोरे और ग्रिडल बॉन, ये जो है दो कैट है इसमें मुंजो जेरी याद रखेंगे मुंजो जेरी और गिडल बॉन, ये क्या है दोनों केट्स है, तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुंजो जेरी और ये ग्रिडल बॉन कौन है वहाँ पे, तो केट्स से है यानी ये इसका सरदार थी कौन थी सरदार एक तरह का केट जो थी ये मिस्ट्री केट जो थी यानी मैकविटी और इसके अलावा भी दो केट का नाम है मुंजो जेरी और याद रखेंगे गिडल बॉन। नेक्स्ट देखेंगे द पोएट कंपेयर्स मैकविटी,
कवि जो है कंपेयर करता है, तुलना करता है मैकियावेली का, केट का, इस केट का किसके, नेपोलियन से, नेपोलियन से करता है कि सीज द क्राइम ऑफ नेपोलियन, सीज द, वो कहते हैं कि वो जो सी नहीं ही केट जो है क्राइम है, एक तरह का क्रिमिनल है नेपोलियन के, नेपोलियन से जो है क्या करते हैं, वो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स, मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स किस कौन है इसमें, मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स इसमें मंकी एक है और उसका जो है क्रिमिनल का मास्टर है, मास्टर माइंड है, ओके, मालिक है। हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल, तो इन द ऑफ द स्कॉटलैंड, ऑफ स्कॉटलैंड कह सकते हैं कि उसका जो फुटप्रिंट था, यानी कोई भी घटना करती थी, कोई इवेंट करती थी, ओके, उसके बाद इंसिडेंट करने के बाद वो भाग जाती थी और उसका फुटप्रिंट्स घटनास्थल पर कभी भी नहीं मिलता था और किसी भी फाइल में, स्कॉटलैंड के किसी भी फाइल में नहीं मिलता है, यानी वो बहुत सातीर, चालाक और चतुर थी कह सकते हैं आप। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं के मैकियावेली के द्वारा जो है, मैकियावेली द मिस्ट्री केट के द्वारा ये जो है टी एस एलियट क्या कहना चाहते हैं। ये बहुत हंसी मजाक वाला है क्योंकि एक इसको एक कहीं ना कहीं एक रूप दिया गया ह्यूमन बींग का और हमें समझाने की कोशिश किया गया है। तो अगर आपने अभी जो है, अगर एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप वन बाय वन करके सारे वीडियोस को देख लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।